सिक्स T20 जो है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के दरमियान स्टार्ट होने वाला है और अभी टॉस का वेट किया जा रहा है। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Well guys, news from the center, England again won the toss and choose to field. Pakistan फिर से batting करेगा और मुझे फिर लगता है लो स्कोरिंग मैच होना आज। फिर पाकिस्तान 160-170 बनाएगा तो कम्पिटिटिव टोटल होगा, नहीं तो मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और देखते हैं क्या बनता है आज। आसिफ अली के छक्के आज लगने हैं मुझे, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, आज आसिफ अली कुछ करके दिखाएगा। Baby, I've a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Well guys, game is ready to play again here. Kazakhstan Stadium, first ball of the match. 16-20 between Pakistan. Oh, white ball. Pehli to ho gayi, white ball ho gayi ji. Aur England ne phir toss jeet ke pehle bowling ka faisla kiya. पाकिस्तान के इस वक्त बाबर आजम और टू बिगेस्ट क्रिकेटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और दिखाता हूँ मैं आपको सारी सूरत हाल मैच की। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। 16-20 बिटवीन पाकिस्तान इंग्लैंड स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट ओवर का खेल जारी है। इस वक्त बाबर और रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं, टू बिगेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट एरा मैं इनको बोलता हूँ। दोनों एक दूसरे को पूरा कम्पीट करते हैं और बाबर जो है वो भी नंबर वन प्लेयर रह चुके हैं, रिजवान ऑलरेडी हैं इस वक्त। और बॉलर जो है आई थिंक या मार्क हो जाए मेरे ख्याल से, और ये बेहतरीन शॉट नहीं सीधी हाथों में। पहला ओवर चल रहा है लेकिन आज थोड़े से ना यहाँ एक सिचुएशन बन गई थी 12 ओवर तक टिकट वाले सिलसिले में, बड़ी देर के बाद एंट्री हुई है। और आप खुद टिकट लेके आए, किसी से टिकट ना लें यार, जब आप किसी से टिकट लेते हैं ना तो वो मसला बन जाता है। खुद अपनी टिकट खरीद के आए अगर स्टेडियम आपने आना, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे क्रिकेट के शायकीन भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं पूछूंगा क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान कितना स्कोर बनाया तो ये मैच जीतेगा, ठीक है। अपने ब्लॉग को देखते रहना, ये मैं सेकेंड इंड अपना दूसरी बार देखने आ रहा हूँ। पिच है ना, इस पर 200 स्कोर नहीं बनता मोस्टली, ये लो स्कोरिंग पिच है। यहाँ पे 160-170 भी एक अच्छा टोटल है, तो क्या कहते हैं लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बाबर अगर यहाँ पे 50 भी कर जाए ना तो पाकिस्तान का अच्छा स्कोर बन सकता है 180-190। लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट ओवर्स। पावर प्ले पाकिस्तान हमेशा आराम से खेलता है और उसके बाद पाकिस्तान जाके एंड वाले ओवर्स में कुछ अच्छी बैटिंग करता है, तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ। जाएंगे काफ़ी आज तादाद है लाहौर में, काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं कुछ लोगों से पूछता भी हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। हाँ सर बताएं, पाकिस्तान कितना टोटल बनाया है तो जीत सकता है ये वाला मैच? मेरा ख्याल में तो 160 पे डिफेंडेबल है। अच्छा स्कोर है 160 इस पिच पे, ठीक है। तो नजर अगर रखें 160 टारगेट को मद्देनजर रखें तो कौन सा प्लेयर आज 50 करने वाला है आज के दिन में? बाबर को करनी चाहिए। अच्छा बाबर को करनी चाहिए, गेम तो नहीं लगता। अच्छा ये कि गाइस एक चौका लग गया मेरे ख्याल से, अभी पावर प्ले का नहीं चौका नहीं हुआ है, दो सिंगल हुए हैं इस वक्त। आपने कहा कि बाबर 50 करेगा, तब 160 हो सकता है? नहीं मतलब मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा ना काफी टाइम से, मिडिल ऑर्डर तो इशू है। अच्छा मलिक को आना चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं मलिक साहब को आना चाहिए, शेख मलिक साहब टीम में आना चाहिए। मैं तो जी प्रो मलिक को बिल्कुल आना चाहिए, मलिक को प्रो मलिक है, मलिक तो नहीं है कहीं। नहीं नहीं मलिक नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप फिटनेस देख लेना, एज इज जस्ट अ नंबर, उसकी फिटनेस है ठीक है। आई थिंक ही शुड कम एंड प्ले, या फिट प्लेयर है वैसे वो, इस एज में भी है, आना चाहिए उनको। अच्छा किसकी जगह आना चाहिए, मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, किस खिलाड़ी की जगह शेख मलिक को टीम में आना चाहिए? कुछ दिल शाह की जगह। हाँ कुछ दिल की जगह, कुछ दिल, कुछ दिल। चले जी, इन्होंने कुछ दिल का दिल जो है वो नाखुश कर दी है अभी ये बात कह के, लेकिन मलिक को वाकई ही आना चाहिए क्योंकि मलिक जैसा प्लेयर पाकिस्तान में जो स्पिनर को खेलता है सबसे अच्छा मलिक खेलते हैं, शेख मलिक साहब खेलते हैं स्पिनर को। लेट्स सी व्हाट हैपन, मुझे भी लगता है आज पाकिस्तान 170-180 के करीब बना लेगा अगर पावर प्ले सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हो गया। अभी कुछ क्रिकेट के शायकीन मौजूद है, इससे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर।
अलहमदुल्ला ठीक है। अच्छा पाकिस्तान कितना टोटल बनाया आज मैच जीत सकता है? आप क्या कहते हैं? 180 आप क्या कहते हैं सर? आप भी मैच देखने हैं 180 यार। वैसे इस पिच पे ना जो स्कोर है ना 160-170 भी हो जाए तो बड़ा अच्छा मैच टोटल होता है। टीम खड़ा है, आप बेफिक्र हो जाए। बाबर साहब खड़े हैं, कितने बनाएंगे स्कोर आज? 50 मारेंगे बाबर? हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी का कहना है कि बाबर सेंचुरी मारेगा जी, सेंचुरी। अभी इस वक्त शान मसूद और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है। वेल गाइस, शान मसूद का रिव्यू टाइम आ चुका है और आई थिंक मिडिल स्टंप है मेरे ख्याल से। मुश्किल ही है पाकिस्तान, ये शान मसूद बच जाए यहाँ से, मुश्किल है। आउट, आई टोल्ड यू इट्स आउट, इट इज आउट। शान मसूद अगेन फेल टुडे। शान मसूद से बड़ी उम्मीद थी गाइस, वो आज फिर फेल हो गए। कितना टोटल बनाए तो मैच जीत सकता है? कितने कह रहे थे आप? 160। अच्छा स्कोर है वैसे 160। तो बाबर कितना स्कोर कर रहा है आज? हाँ नहीं पता। तो जी बाबर का चौका आपकी वजह से। बॉबी बच्चा क्या हुआ बॉबी ने शॉट मारी है भाई यार, स्टॉप हो गया, स्टॉप कर दिया। बॉबी कितना स्कोर करेगा आज? इंशाल्लाह 52 चाहिए। किंग कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 52 रन रिक्वायर्ड है यार। हाई 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 स्कोर हो जाएंगे फिर बाबर के, इंशाल्लाह 3000। आई थिंक एक स्कोर पड़ा है अभी, पर वन रन शॉट फ्रॉम द 50 राइट नाउ। और आई थिंक बाबर मेरे ख्याल से फॉर्म में वापस आ चुका है, कह सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। मेरे ख्याल से जो आज टारगेट पाकिस्तान बनाने जा रहा है 160-170 के राउंड पर बनेगा आज टारगेट। और ये राशिद आए, गाइस ये सीन चेक करें, आइए हम लाइव मैच देख रहे हैं, लेकिन ये लाइव स्कोर यहाँ पे ही देखना पड़ता है। बाबर ये वन रन शॉट फ्रॉम द 50 और बाबर ने बाबर की 50 हो गई है। और आप सिचुएशन चेक कर सकते हैं आप गाइस, के 125 हैं और 16 ओवर चल रहा है। चार खिलाड़ी आउट हैं, बाबर आजम और आसिफ अली जो है इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, और जो ऑडियंस है वो फुल एंजॉय करते हुए मैच के मज़े ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा व्लॉग ना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, इसमें ज़्यादा मैंने बातें नहीं की, आपको थोड़ा मैच नहीं दिखाया, उसके लिए ये माजरे थे पहले से, क्योंकि यार गला बैठ गया, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई इस वजह से। ठीक है, स्कोर पे पाकिस्तान के चार खिलाड़ी आउट हैं, और ये जो मैं आपको बताता चलूं, बाबर के 67 हो गए हैं और आसिफ अली क्रीज पे इस वक्त दोनों खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है इन दोनों की, और मेरे ख्याल से अभी अगर पाकिस्तान यहाँ से पार्टनरशिप लेके चलता है तो राउंड अबाउट 170 और 180 के करीब स्कोर बना सकता है। ये स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, ये वाला स्कोर कार्ड है। जैसे स्टेडियम में बैठ के आपको स्कोर कार्ड ही देखना पड़ता है, थोड़ा दूर से ना पता नहीं लगता स्कोर का क्या चल रहा है। पाकिस्तान की इनिंग्स के 3 ओवर्स रह गए हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 170 तक जो है टारगेट देना चाहिए। अगर ये मैच अच्छी पोजीशन, नहीं नहीं 170 अच्छा स्कोर है इस पिच पे, क्योंकि कराची की पिच पे स्कोर बन जाता है अच्छा, लेकिन लाहौर की पिच थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ पे स्कोर इतना ही बनता है कोई 150-170 के राउंड अबाउट। PSL की हिस्ट्री भी अगर आपने देखनी हो तो इतना ही स्कोर बनता है, लेकिन मुझे उम्मीद है बाबर खड़े हैं और कोई 170 तक अगर चले जाते हैं तो चांसेस हैं पाकिस्तान ये मैच
जीत सकता है, जीत सकता है, देखते हैं क्या होता है जी। तो भाई मौजूद है, ये कह रहे हैं टेस्ट मैच है भाई जान, टेस्ट मैच क्यों है ये यार, T20 चल रहा है लेकिन फिर भी जैसे खेल रहे हैं तो टेस्ट ही लगता है। नहीं करके बैटिंग करके आउट हो तो मगर ऐसे जाके आउट हो जाएगा। बाबर आजम देखते हैं क्या करते हैं। ओहो, सिंगल वन रन हुआ और 162 पाकिस्तान, मेरे ख्याल से एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल है ये, लेकिन अगर 170 के करीब चला जाता है पाकिस्तान तो फिर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो इस पिच पे 170 होना भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इस पिच में स्कोर कम ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाबर अपने आप से इस वक्त नाराज़ है, पैड पे जरा हाथ मारते हुए इस वक्त, क्योंकि वो बॉल पे कुछ रस लगाना चाह रहे थे, नहीं लगा सके। ओवरऑल अगर मैं बाबर की बात करूँ, आज अच्छा खेले हैं बाबर आजम और मेरे ख्याल से फॉर्म में आ गए हैं बाबर आजम, आगे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, नवाज ऑन द स्ट्राइक आई कम। अच्छा यार हैप्पी है, 170 बना लिया आज बाबर ने, अच्छा स्कोर किया। तो कैसे देखते हैं बाबर की आज जो इनिंग्स है, बाबर ने कैसा खेला? बाबर की इनिंग्स बहुत अच्छी लगी, ठीक है। दिल खुश हो गया। अच्छा तो बाबर फार्म में वापस आ गए हैं? लवर मौजूद है और इनसे अंडर 19। अच्छा खेले हुए आप? अच्छा आप मुझे बताएं क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के, टारगेट तो अच्छा बना दिया, 170 का टारगेट है, पाकिस्तान आ सकता है? अभी बड़ी हमारे पास स्ट्रॉन्ग अटैक है बॉलिंग का, ओके होपफुली हम अच्छा उनको डिफेंड कर देंगे, होपफुली हारिस पे बड़ा मैच डिपेंड करता है कि हारिस ओके दानी खेल ये सीन तो ऑब्वियसली वो है जनरल हमारा पास है। अच्छा पावर प्ले में अगर विकेट्स लेते हैं 2-3 तो चांसेस पाकिस्तान के हैं ना जीतने? ऑब्वियसली हमें पावर प्ले में विकेट्स को लेना पड़ेगा तभी हम उनको उनकी बैटिंग लाइन को तोड़ सकते हैं, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन से आ रही है, 7-8 उनके प्लेयर हैं और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। बाबर की इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे आज आप? बाबर आज 10 out of 11 खेल गया, ठीक है, बहुत बेस्ट खेल गया, बहुत बेस्ट खेल गया, अपना बेस्ट भी कर गया और क्राउड को भी पुल अप कर दिया। और अपने कितना स्कोर बनाए तो अच्छे से आगे वो मैच को लेके चल सकती है? उसके बाद सेकंड जो है ना धनी का वो इंशाल्लाह विकेट लेगा, माय फेवरेट बॉलर है इंशाल्लाह, आई प्राउड ऑफ यू। ओके अगेन माय क्वेश्चन, आप किस तरह से इनिंग्स को रेट करेंगे बाबर की इनिंग्स को दोबारा? बाबर की इनिंग्स वो तो चैंपियन है, वो तो एक गिफ्ट मिला हुआ हमें। अच्छा। कोई बात नहीं, चलते कोई बात नहीं, अप डाउन क्रिकेट में होती रहती है, चलता हम लोग कहते हैं फॉर्म आ गई है बाबर की, इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल, बाबर इज अ किंग रियली, इंशाल्लाह लव यू बाबर, लव यू बाबर। गाइस इस वक्त हमारे साथ कुछ क्रिकेटर लवर्स मौजूद है, कहाँ से आए आप सर? छात्रा से आप कहाँ से आए? तीनों दोस्त हैं आप, क्या करेंगे बाबर की रेट? सबसे पहले बताएं बाबर की इनिंग्स को रेट करें आज।
बाबा ने आज कुछ किया फिर आपको? आपकी टिकट के पैसे पूरे हुए कि नहीं? हो गए। जब वो मैच जीतेगा तब पूरे होंगे। अच्छा मैच भी जीतना है अभी। गाइस ये बाबर के लवर हैं आई थिंक, सो थैंक यू बाबर आजम, यू मेड माय डे। कैसे डे बन गया आज आपका? जबरदस्त बैटिंग है आज, पैसा वसूल, बाबर ने बैटिंग कर दी है, हमारे पैसे पूरे हो गए टिकट के, बाबर की फॉर्म वापस आ गई है, जबरदस्त। एक ही किंग है बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। फेवरेट बॉलर कौन है पाकिस्तान में? माय लव धानी। धानी, धानी, धानी क्यों ही फेवरेट है आपके, कोई वजह खास वजह? क्योंकि आज उसके अच्छी परफॉर्मेंस की नहीं, उसी उसी के लिए मैं आज देख रहे हूँ मैच। अच्छा, और आज इंशाल्लाह फर्स्ट विकेट वही लेगा मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज धानी, धानी इज द फेवरेट बॉलर, वो कराची से बिलोंग करते हैं, बड़े अच्छे वैसे पर्सन है धानी। जी जी इंशाल्लाह आज उसको आउट कर दिया था पिछले मैच में, आज इसको इन किया इंशाल्लाह, आज अच्छी परफॉर्मेंस। तो धानी वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। शेख मलिक की टीम में जगह बननी चाहिए कि नहीं? जी जरूर बननी चाहिए। किसकी जगह? सोचे नहीं बननी चाहिए शेख मलिक की जगह, किसकी जगह? उन्होंने कुश्ती शाह कह दिया, उसका जो अब कुछ दिल नहीं हो रहा, उन्होंने कह दिया भाई कुश्ती शाह को आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन गाइस, पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अभी तो, और दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी है इंग्लैंड की, देखते हैं क्या होता है इस मैच का रिजल्ट। जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लवर मौजूद है, बहुत खुश है आज ये, थैंक यू बाबर आजम, यू मेड माय डे। कैसे डे बन गया है बाबर ने बना दिया आपका? आज सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया था कि बाबर आजम को जो है वो कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 52 रन रिक्वायर्ड थे। अच्छा, ठीक है, तो आज बाबर आजम ने कोहली के जितने 3000 रन उसके 6 मिनट में बनाया है, सो ही मेड माय डे। क्यों है, क्या हो गया? क्या बताएं? मैच हाथ से निकल दिया पता भी नहीं चला। रिजवान था, रिजवान को अपने पप्पी का रिश्ता देना था, अब रिजवान को पप्पी। ओए बड़े सैड, बहुत बहुत हार्श हो गए आप। रिजवान बहुत अच्छा खेलता है पाकिस्तान के लिए। रिजवान क्या खेलता है? अच्छा, बचपन स्कोर मारते हैं। आप मिड ऑर्डर की बात करते हैं, मिड ऑर्डर पाकिस्तान का मसला है। आप मुझे बताएं कौन से खिलाड़ी को रिप्लेस करना चाहिए? शेख मलिक की टीम में जगह बनती है? शेख मलिक की नहीं बनती, बाबर आजम को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, उसको वन डाउन आना चाहिए। अच्छा, बकर को लेके आए, पता है कि वो 10 मैचों में से एक दो चलता है, लेकिन अगर वो किसी टाइम पे चल गया तो वो मैच को मैच का पास बड़ा खिलाड़ी है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, मैच का बड़ा खिलाड़ी वो है, अभी वो रिजर्व में है, वो साथ जाएगा। क्या करे बंदा, अब देखिए जरा क्या बन रहा है यार, क्या बन रहा बारिश कर दे, मैच सही हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि चले अगर आज हार जाता तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमने संडे की भी टिकट ली हुई है, तो ये बेटर हो जाएगा हमारे लिए कि तब सस्पेंस करिए। नाउ संडे बिकम अ सुपर डे फॉर यू, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके, दूसरा मुझे बताएं आप क्या सजेशन देंगे इन खिलाड़ियों को लेके अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो? देखिए मेरी हाईली सजेशन यही है कि सबसे पहले जो है हम बाबर आजम को हटाएं, मतलब उसको वन डाउन लेके शुरू में फकर लेके और साथ अटैकिंग विकेट खेले, अटैकिंग विकेट, जैसे अभी इनको देखे इन्होंने 10 ओवरों में तकरीबन 120-130 मार दिए, इनसे देखिए पावर प्ले कैसे होते हैं, इनसे देखिए पावर प्ले इस तरह खेला जाता है, शॉर्ट ये डर के खेलते हैं हमारे प्लेयर। जैसे फिलहाल भाई आपके जो है जी फिल्सोर ने क्या कहते हैं उसके बारे में, इनिंग्स रेट करें यार? उससे तो अच्छा खेल रही है, वैसे भी पाकिस्तान सी टीम के साथ खेल रहा है। अच्छा, हमारे मेन प्लेयर हारिस शाहीन नहीं खेल रहे, दानी वैसे इनएक्सपीरियंस है, आमिर जमाल का दूसरा मैच है, वसीम भी अभी इनएक्सपीरियंस है, तो आई थिंक शदाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है बीच में, तो आई थिंक ये मैच ठीक है, हार गए हैं। वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है। अब हमें जैसे भाई ने बताया फखर को लाना चाहिए वापस, फखर है, फखर रिजर्व में है, वर्ल्ड कप खेलेगा, और जो है ना हमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जब पावर प्ले में स्कोर नहीं होता तो नीचे वाले बैट्समैन के ऊपर जैसे फील्ड शॉट ने परफॉर्म किया, बिल्कुल
और दूसरी बात ये कि खुश दिल की जगह वैसे नहीं बनती, खुश दिल को आप बाहर ही बिठा के रखें। आपने खुश दिल को ना खुश कर दिया, ये बात क्या? कोई बात नहीं, मेरा दिल खुश है, खुश दिल बाहर रखो। बाकी टीम अच्छी है। क्या मैच निकाल दिया हाथ से पाकिस्तान ने? मैच तो निकल गया पाकिस्तान के हाथ से, निकल गया शुरू से ही निकल गया पावर प्ले में ना। पाकिस्तान को ऐसे पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए कि डिफेंसिव खेलनी चाहिए? इनको जो है डिफेंसिव के अटैकिंग खेलनी चाहिए, ताकि विकेट स्लो और रन जो है वो कम हो। ओके गाइस, हमारे साथ एक और लवर मौजूद है, क्या लिखा हुआ है जी? रिजी व्हाई वी मिस यू टुडे, ऐसे ही है बिल्कुल। क्या कहेंगे आज पाकिस्तान के हारने की वजह? आपकी जो साल्ट है ना, ये नमक खा के है, इसने जख्मों पे नमक छिड़क दिया आपके? हमारे जख्मों पे नमक छिड़ दिया, ठीक है। और ये साल्ट जो है धो रहा है, हमें लगता है कुछ खा के है, नमक निकाल के खा के है, निकाल के खा के है। क्यों पाकिस्तान को डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए या अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए? अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आज काफी चेंजेस किए हैं पाकिस्तान ने टीम में। डेफिनेटली बड़ी चेंजिंग की है पाकिस्तान ने, इसने ओपनर भी खेला और एक हमारे बॉलर भी दो नहीं खेल रहे जिसने, और आपका मेन है और शाहीन अफरीदी नहीं है, और उसके बाद आपका आफरत नहीं है, क्या नाम है उसका, ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो आमिर जमाल भी वैसे उन्होंने भी पिछले मैच में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया था। बाकी यार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, और सुपर संडे भी बनाना था ना पाकिस्तान ने, वो तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सुपर संडे को संडे और संडे बन गया, तीन तीन बराबर हो जाएगी, लेवल हो जाएगी सीरीज, बाद में फाइनल का तो मजा फिर ही बनता है ना अगर तीन तीन लेवल हो। और रिजवान आएंगे फाइनल में, रिजवान आएंगे फाइनल में इंशाल्लाह आएंगे फिट होके, और ये हमने खुद मैच दिया इनको, अच्छा फाइनल का मजा आए। ये बात कैन सी अ हैप्पी बॉय इन द कैंप राइट नाउ, ये काफी खुश है। पाकिस्तान सैड भी चीज है, पाकिस्तान मैच हारने लग गया। यार आप इंग्लैंड को पाकिस्तानी है या कि नेशनलिटी इंग्लैंड की है आपके पास? यार इंग्लैंड आई हूँ, ये पाकिस्तान सपोर्ट करना बनता है हमारा। खुश है आप ऐसे संडे सुपर संडे बन गए क्योंकि तीन दिन से बराबर हो गई है सीरीज, अब संडे का मैच फुल प्रोग्राम होगा, फुल हैवी वाला होगा। अच्छा वैसे आज आप आज बाबर की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे आप? बाबर का क्या कहना, वो आज चल गया बस, चल गया भाई रिजवान नहीं तो उसका बंद आ रहा। अच्छा दूसरी बात, पाकिस्तान को डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसे इंग्लैंड खेलते हैं अटैकिंग, वैसे क्रिकेट खेलनी चाहिए? अब तो कुछ भी नहीं रहा इनके पास, अब जो मर्जी हो मैच तो फिनिश हो गया, मैच हाथ से निकल गया। आई एम जस्ट अबाउट टू लीविंग द स्टेडियम राइट नाउ, क्योंकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से मैच ये हार चुका है तकरीबन, लेकिन अच्छा मैच था। अगर पॉजिटिव बात की जाए तो बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली आज के मैच में, रिजवान को उन्होंने रेस्ट दिया था कि हारिस को वो चेक कर सकें। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं पाकिस्तान, करना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। लेट्स सी, अब संडे जो है वो सुपर संडे बन चुका है, वो फाइनल होगा इसी मैदान पर होना है, कदाफी स्टेडियम में होना है। तो संडे को फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। बाबर जो है फॉर्म में वापस आ चुका है, आज पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रिजवान को भी नहीं खिलाया, हारिस को खिलाया। एक्सपेरिमेंट्स वर्ल्ड कप से पहले कर सकते हैं, लेकिन संडे सुपर संडे बन गया है, अब संडे को पाकिस्तान का दोबारा से इनके साथ फाइनल होने जा रहा है। तो आई एम जस्ट अबाउट टू लीविंग द स्टेडियम राइट नाउ, सो लेट्स सी, वी विल मीट यू ऑन संडे गाइस। पाकिस्तानियों के सैड मैसेज आज आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ये, लेकिन जो बॉलिंग आज हुई है ना धानी यार, कुछ तो अच्छा कर लेते तुम। बट ओवरऑल सिचुएशन ठीक है, प्रीटी गुड है, सुपर संडे बन गए। अब आपको पता है कि सीरीज 3-3 से बराबर हो गई है, और संडे इज अ सुपर संडे ना, सीरीज इक्वल, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन संडे। लास्ट पे क्रेडिट देता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इन्हों की वजह से ही हम सेफ हैं, और इन्हीं की वजह से ही ये सीरीज जो है बड़े अच्छे से हुई है, और इनको भी थम्स अप इनके लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमेशा से टॉप रही हैं हर अपने उसमें, और अच्छे से रोल प्ले करती हैं, तो इनको भी थम्स अप, इनकी वजह से ही हम यहाँ पे सेफ थे, और अच्छी सी क्रिकेटिंग रिवाइवर में हम मैच दे के वापस अपने घरों को जा रहे हैं। थम्स अप पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। But I'm